नमस्कार, मैं सुख तिवारी समृद्धि न्यूज चैनल से। अभी हम पहुंचे हुए हैं सिन्हा पंचायत में। हम आपको बता देना चाहते हैं कि बड़हरा प्रखंड का यह सिन्हा पंचायत जो कि गंगा नदी के तट पे बसा हुआ है, अपने आप में एक अनोखा पंचायत है और सराहनीय योगदान है यहाँ के मुखिया जी का। और मुखिया पति अभी धनंजय प्रसाद जी हमारे साथ है, तो आप लोगों से मैं रूबरू कराना चाहूंगा और बताना चाहूंगा कि अभी जो आरा रामनवमी शोभा महोत्सव की तैयारी चल रही है, जिसमें फिर रूप से रामनवमी जुलूस निकाला जाएगा, तो इसपे हमारे मुखिया जी क्या बताना चाहेंगे, या जो लोग भी इस जुलूस में शामिल हो रहे हैं उन लोगों को एक क्या संदेश देना चाहेंगे। आइए बात करते हैं, मुखिया पति हैं धनंजय प्रसाद जी, इनसे बात करते हैं और साथ में ये क्या शुभकामना देना चाहेंगे रामनवमी के अवसर पे अपनी तमाम जनता को। रामनवमी के शुभ अवसर पर सभी राम भक्तों को अपने तरफ से शुभकामना देना चाहता हूँ। और हम लोग भी यहाँ से स्नेहा बाजार से जुलूस के लिए अपना यहाँ पर हम लोग जुलूस के साथ यहाँ पर से हम लोग निकलेंगे आरा के लिए, क्योंकि हम लोग यहाँ थोड़ा बहुत व्यवस्था किए हैं, क्योंकि हम लोग 100-200 लड़का हैं जो कि लेकर के हम लोग यहाँ से आरा के लिए हम लोग निकलेंगे और आरा में हम लोग और भी बताएंगे। तमाम जनता आपको हमारे टीवी स्क्रीन पर देख रही है, इन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस रामनवमी में किस तरह से जुलूस निकालेंगे और क्या बताना चाहेंगे आप? हम तो यही चाहेंगे कि जो भी रामनवमी का ये हम लोग का है, ये शांति ढंग से हो, शांति ढंग से सभी भाईचारा के रूप में मिल करके रामनवमी का जुलूस में सब लोग शामिल हो और शांति ढंग से सब लोग रहें। बहुत बढ़िया। आप देख रहे हैं अभी हमारी बात हो रही थी धनंजय प्रसाद जी जो मुखिया पति हैं, और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अपने आप में बहुत ही संपन्न पंचायत है ये सिन्हा पंचायत। गंगा नदी के तट पे रहने से भी ये अपने आप में एक पवित्र है, और मैं आपको बताऊं कि बड़हरा प्रखंड का एक बहुत ही शानदार पंचायत है सिन्हा पंचायत। अभी हम आप लोगों को मिलवाए थे धनंजय प्रसाद जो कि मुखिया पति है, जो इनका कहना है कि जो शोभा यात्रा निकल रही है रामनवमी की, तो इस तरह हम लोग निकाले कि हमारी सादगी झलके, किसी तरह की उद्दंडता अभद्रता नहीं होनी चाहिए और शांतिपूर्ण इस त्योहार को मनाएं।